उदित नारायण को क्यों नहीं किया गया अप्रोच, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा मेकर्स को, क्या हुआ सकीना की टीचर का। दोस्तों, जहां आज के वक्त में लोगों को एक्शन पैक्ड मूवी देखने का शौक है, वहीं गदर 2 मूवी के डायरेक्टर यानी कि अनिल शर्मा समझ गए हैं कि उन्हें गदर 2 मूवी में ऐसा क्या करना है जिसे देखकर ऑडियंस काफी खुश हो जाए। अनिल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्होंने फिल्म में ऐसे एक्शन सीन्स डाले ना जो आज तक किसी भी फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किए हैं। जिस तरह से अनिल शर्मा ने ये बात कही है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि गदर 2 के मेकर्स को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर उनकी कही बात सच नहीं हुई तो फिर ऑडियंस को ये फिल्म देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा और ना ही वो इंटरेस्ट बचेगा और मूवी के हिट होने के चांसेस भी ऑफकोर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मेकर्स जो बोलते हैं ना ऑडियंस उसी तरह से इमेजिनेशन करने लगते हैं ताकि वो मूवी को थिएटर में इंजॉय कर सके। गदर फिल्म को जहां उसकी कहानी और कास्टिंग ने हिट करवाया था तो वहीं कहीं ना कहीं मूवी गाने भी ऐसे थे जो कि उसे हिट करवाने के लिए काफ़ी थे, जिसमें कि अगर किसी सबसे अच्छे या फिर सबसे फेम वाले सिंगर की बात करें ना तो वो थे उदित नारायण जी, जिन्होंने गदर फिल्म में ऐसा गाना गाया था कि लोगों के दिलो दिमाग में आज तक वो सारे गाने बसे हुए हैं। लेकिन अगर बात गदर 2 मूवी की हो तो मेकर्स ने गदर 2 के लिए मिथुन को म्यूजिक कंपोजर के तौर पर चुना है, लेकिन उदित नारायण को अप्रोच नहीं किया गया है और ना ही उनसे फिल्म के गाने को लेकर कोई बात की गई है ऐसा कहा जा रहा है। जब इसके बारे में उदित नारायण से पूछा गया तो इस सवाल को इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल भी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते। तो क्या सच में मेकर्स ने उदित नारायण को अप्रोच नहीं किया या वो उदित नारायण के साथ मिलकर ऑडियंस को सरप्राइज करना चाहते हैं। दोस्तों, गदर फिल्म का हर कैरेक्टर ऐसा था जिसे कोई नहीं भूल सकता। गदर फिल्म के बाद सभी की किस्मत बदल गई थी और सारे कलाकारों को एक नई पहचान मिल गई थी। प्रीति भुटानी जिन्होंने सकीना की टीचर का रोल निभाया था, उन्होंने भी गदर फिल्म के बाद और कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद मानो वो बॉलीवुड से ऐसे गायब हुई कि उन्हें दोबारा बॉलीवुड में किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया। मेकर्स ने उन्हें फिर से गदर 2 मूवी में कास्ट करने का सोचा था, लेकिन प्रीति ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि अब वो अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और अब वो फिल्मों की दुनिया में वापस नहीं आना चाहती है। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स है गदर 2 मूवी से रिलेटेड। तो आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।